कोई मुक्के नहीं मारी थी, तुम मुझे ताने दे रहे थे नीचे। बेशक मैं दीवार की तरफ पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, मैं कर लूंगा। यार क्या है यार बताओ बड़ी गंदा उसने मैसेज किया हुआ था मुझे लड़के ने हाँ, तो वो मैसेज ऐसा था कि he or she or they didn't know about my entire family। तुम पहले कर रहे हो, मैं पहले कर रहा हूँ। गुड वन, रुमान एजाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग यू गाइडेंस, दैट्स अ ब्लेसिंग इटसेल्फ। कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों बोलती है। ओह पॉलिटिक्स आया, शेर आया, शेर आया। आई एम डिलीटिंग योर कमेंट। नहीं, बिलाल अब्बास तो इतने अच्छे हैं। बिलाल अब्बास खान की बात कर रहे हैं ना ये। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आई एम समर, वेलकम टू opinionsp.com। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू भाई। अस्सलाम, ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप लोग इतने छोटे छोटे से हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो आप लोग की एज क्या है ये काफी लोग जानना चाहते हैं। यार क्या है यार बताओ। I get a lot of hate for this, but I am नहीं बताना चाहते तो नहीं, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। I'm gonna turn 15 next month and I just turned 20 last month। बुड्ढा तो इतनी सी उम्र में आप लोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो एजुकेशन का क्या सीन है? एजुकेशन का अच्छा सीन है, ऑन सीन है, साथ साथ पढ़ाई होती रहती है और काम भी होता रहता है। आई एम इन ओ लेवल्स अभी मैंने एंट्री किया है, मेरी सी आई एस की अपेयरिंग नेक्स्ट ईयर है। आई एम इन O1 कॉमर्स, तो डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन सेट पे भी आके पढ़ते ही रहते हैं, तो इट्स कवरिंग, वी आर कवरिंग इट अप। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मैनेज कैसे करते हो दोनों चीज़ें एक साथ? यू गो फर्स्ट। मैं तो देखिए मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, अब हम मुझसे कोई सवाल पूछते ना कि पढ़ाई और स्टडीज़ के साथ काम किस तरह मैनेज करते हो? हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। ऐसी बात नहीं है, हो जाता है मैनेज, कोचिंग्स वगैरह और होमवर्क्स के थ्रू एवरीथिंग गेट्स यू नो रिजॉल्व। अच्छा, मायरी में आप लोगों ने नुमान एजाज साहब के साथ काम किया है और वो इतने सीनियर एक्टर हैं, तो आप दोनों का उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा और क्या हुआ था, कुछ याद है? मैं पहले बताती हूँ। बताओ। मेरा पहला सीन था नूमी भाई के साथ, नुमान एजाज के साथ, उसमें मैं, नूमी भाई, मारिया वास्ती और ये, और जो मेरी छोटी बहन बनी है फायजा हानिया, वो थे। और नूमी भाई इसको बता रहे थे कि कैसे करना, और मैं थोड़ा डर गई थी कि जब मेरे साथ इनका सीन होगा तो मुझे भी वो ऐसे ही बोलेंगे। फिर जब उन्होंने एक्चुअली मुझे गाइड किया मेरी लाइंस पे भी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, एंड एज अ सीनियर एंड एज लाइक नुमान एजाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग यू गाइडेंस, दैट्स अ ब्लेसिंग इटसेल्फ। मुझे तो एक हफ्ते पहले पता लगा था कि मेरे वालिद साहब जो है नुमान एजाज बने, और जिस दिन वो आए हैं उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि ही इज़ गोना बी ऑन सेट। तो मैं नीचे हमारा मेकअप रूम है उसमें बैठा हुआ, और वो दो सोफे जो है ना, वो पहले होता था कि दो सोफे होते थे और उनके साथ ही जो है ना वो एक छोटे छोटे जो है उस तरह की एक चीज़ होती थी। तो मैं वो सोफे पे बैठा हुआ हूँ और वो बिल्कुल ही बराबर नीचे वाले उसमें ना हमारा जो मेकअप रूम है। अच्छा। तो वो चलते हुए आए अंदर और मैं यूँ देख रहा हूँ उनको, और वो चलते आए बिल्कुल बराबर में आके बैठे, सलाम किया, और मैंने कहा वालेकुम सलाम, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि इज़ गोना बी ऑन सेट उस दिन। तो और मुझसे बात करना शुरू हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं क्या जवाब दूँ, ये हुआ था इंटरेक्शन पहला। अच्छा, ड्रामे में आप लोग काफी नोक जोक कर रहे होते हैं, दूसरे से लड़ रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ड्रामा, आप लोग रियल लाइफ में आप लोग रिलेशन कैसा है? रियल लाइफ में दूरी हटो तो बेहतर है, तुम भी दूर हो थोड़ा सा, तो बस यही है कि ऐसा ही रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, जो जैसे एनी और फाकिर है, हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हां, टिट्टो। अच्छा, आपके ड्रामे का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ड्रामा देख रहे थे सास बहू और फैमिली में ये हो गया, जैसे आपका प्रीवियस ड्रामा था बेबी बाजी, उसमें भी फैमिली के इशूज वगैरह थे, बट इट्स अबाउट चाइल्ड मैरिज, तो आप लोगों का इस चीज़ के बारे में पर्सनल ओपिनियन क्या है? चाइल्ड मैरिज के बारे में या जो हमारा टॉपिक डिफरेंट हुआ उसके बारे में? चाइल्ड मैरिज के बारे में। तुम पहले कर रहे हो, मैं पहले कर रहा हूँ। गुड वन। नाउ दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, एवरीवन्स अलाउड टू हैव एन ओपिनियन, बट मुझे लगता है कि यू नीड टू ग्रो, आई ऑलवेज से दिस इन एवरी इंटरव्यू बिकॉज आई रियली मीन इट, यू नीड टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट, देन फॉल इन लव विद समबडी एल्स। अगर आप मेंटली रेडी नहीं होगे और मेंटली मैच्योर नहीं होगे तो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप होगा, एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाओगे, और जब आप बात नहीं कर सकते एक दूसरे से तो फिर कोई मैटर सॉल्व भी नहीं होता। वही कम्प्लीटली एग्री करूँगा एना की बात से कि फर्स्ट नीड टू एक्सप्लोर विद, फर्स्ट नीड टू एक्सप्लोर विद इन योर ओन सेल्फ कि आप क्या हैं, आपकी क्या चीज़ें जो आपको पसंद हैं, और किस तरह आप अपनी लाइफ जी सकते हैं एक बंदे के साथ या ख़ुद भी इन फैक्ट।
तो जब तक इन चीज़ों का आपको इल्म नहीं होगा तो आप किसी और की ज़िंदगी के साथ जो है वो नहीं मिलजुल के रह सकते कोई भी शख्स ज़िंदगी क्या। तो इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि पहले अपने आप को देखें, अपनी ज़िंदगी समझें, अपने उसूल और फिर वो चीज़ें सेट करें एंड देन गो फॉर मैरिज। फोर्सफुली शादी नहीं होनी चाहिए। और हमारा सब्जेक्ट सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, हमारा ये है कि जल्दी शादी के साथ साथ फोर्सफुल शादी, औलाद की रजामंदी के बगैर क्या शादी के नुकसान हैं, हमने वो भी इसमें जो है वो दिखाया है। तो सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, फोर्सफुल शादी भी जो है वो हमारा एक मैसेज है जो हम कन्वे कर रहे हैं अपने ड्रामे के थ्रू। अच्छा, आई एम श्योर कि आप लोग इतने सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स भी आते होंगे, काफ़ी सारे फैंस मर रहे होते हैं, मैं लोगों ने देखा था आज ही कमेंट्स वगैरह। तो व्हाट्स द क्रेजीएस्ट मैसेज यू हैव एवर रिसीव्ड, एक एक आप दोनों बताएं, कोई ऐसा होना यार जो आप लोग भूल ही नहीं सकते, यार ये क्या बात कर दी यार, मैं बता नहीं सकता वो मैसेज। उसमें से कोई बता दे वो नहीं यार, वो बड़े गंदा उसने मैसेज किया हुआ था मुझे लड़के ने। हाँ, तो वो मैसेज ऐसा था कि वो उसमें कह रहा था कि आप मुझे काम दिलवा दें और बस छोड़ें। मेरा प्रॉब्ली ये था कि दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय डीएम्स और एक आया था, आई डोंट नो इफ इट वाज अ गाय और अ गर्ल, क्योंकि नेम स्पेसिफाइड नहीं था, नाम से नहीं पता चल रहा था। He or she or they, they knew about my entire family. मेरे बाबा का फेसबुक पेज, मेरी मम्मा का फेसबुक पेज, माई भाई, माई सिस्टर, एवरी वन। एंड टू द पॉइंट कि उन लोगों को दो तीन मेरे कजन्स का भी नाम पता था। बहुत रिसर्च करके उन्होंने मुझे जेन्यूनली पूरी मेरी फैमिली की बायोग्राफी बताई एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैं थोड़ा डर गई थी तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मुझे अभी रिसेंटली एकदम याद आया, रिसेंटली कह रहा हूँ, रिसेंटली एक मैसेज आया था, एकदम याद आया कि एक लड़की ने मुझे प्रपोजल भेजा हुआ था, पूरा इतना लंबा पैराग्राफ लिख के उसमें नीचे लिखा हुआ था कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, सही है, यूएस सिटीजन हूँ, तो मैं मेरे से शादी कर लूँ, मैं तुम्हें यूएस जो है ना वो ग्रीन कार्ड दिलवा दूँ। मैंने कहा ये सही लग रही है, कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग वैसी बातें इंडस्ट्री में कुछ सालों से काम कर रहे हैं और अभी आप दोनों की कोई ना कोई एक आइडियल एक्टर होता है या कोई विश होती है यार मुझे इसके साथ काम करने का शौक है, कोई भी प्रोड्यूसर होते हैं ना अक्सर सेलिब्रिटीज बोलते हैं क्या, जब मुझे इसके साथ रोल ऑफर हुआ तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी और मैंने फौरन हाँ कर लिया। ठीक है, तो एक या दो एक्टर्स आप बता दें, इनके दो आप बता दें जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं अगर मौका मिले। मेरे दो तीन एक्टर्स हैं एक्चुअली, एक हुमायूं सईद है, दूसरा अली ज़फ़र है, तीसरी माया अली, एक्चुअली मायरा खान अजमल। ये वो चार लोग हैं जो जिनके साथ कुछ भी होगा ना, बेशक मैं दीवार की तरफ पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। फॉर मी सबा कमर, शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस, मुझे वो बहुत पसंद है, लाइक बहुत, लाइक आई एम क्रेजी फॉर हर, शी इज़ माई फेवरेट एक्टर सबा कमर एंड यमुना जैदी, उनकी एक्टिंग आई जस्ट लव इट। उनको स्क्रीन के साथ, अगर उनके साथ एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला तो आई थिंक मैं एक्चुअली हाँ कह दूंगी, भले एक मतलब एज समर सेट, भले मैं एक दीवार की तरफ वो पीछे कॉर्नर में खड़ी हुई नज़र भी नहीं आ रही हूँ, आई रियली लाइक यमुना जैदी एंड सबा कमर। वो दो एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि मैं उनके लिए, उनके साथ काम करने के लिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। उसके लिए आप हम दोनों को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, समर जाफरी एंड एना आसिफ ऑफिशियल। पाकिस्तान में द म्यूजिशियन वोकलिस्ट आई वुड से जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ, सज्जाद अली हैं उनमें से, अली ज़फ़र भी हैं, एंड अब्रॉड अगर मैं देखा जाए तो अरिजीत हो गए, विशाल मिश्रा, सही है, ये दो ऐसे सिंगर्स हैं जिनको मैं जेन्युइनली दिल से सुनता हूँ। तो ये चार ऐसे वोकलिस्ट है टोटल, अब बाकी वेस्ट में इतना सुनता नहीं हूँ, ईस्ट में मैंने आपको बता दिया कौन कौन है। अच्छा, अपना फाइव वर्ड्स हैं, वन बाय वन हम बोलेंगे और उस वर्ड को सुन के आपके जहन में जो भी चीज़ आती है फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड, आप लोग बोल देंगे, बगैर सोचे। फिर ऐसा नहीं है कि आपको तीन सेकंड्स के अंदर जवाब देना है, कितने सेकंड्स में व्हाट एवर कम्स फर्स्ट टू योर माइंड, कंट्रोवर्सी नहीं बनानी, तभी से अजीब से कौन 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 नहीं वो कट कर देंगे, किसी का नाम तो नहीं है ना। नहीं नहीं, हां पर ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी, आलू, यार नहीं, लेग पीस। सोशल मीडिया, नेगेटिविटी, फॉलोअर्स। आतिफ असलम, आदत, गाने, महंगाई, पॉलिटिक्स, आया शेर, आया शेर, आया पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल आई विल से। मैं
मैंने कहा शेर आया अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता भाई सेम अलार्म्स वो इस तरह वाले एक स्टाइल है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ तो इसलिए सॉरी माजरत अपनी करूँगा अच्छा आईना के लिए है एक लड़के का कमेंट मैंने लुंडा बाजार से एक पैंट ली थी वो गलती से लेडीज निकल आई है क्या आप वो पेंट खरीदना चाहेंगी 300 रुपए में आप फ्री में दे दें तो मैं शायद ले लूं सेकंड हैंड 300 नो थैंक्स अच्छा एक है आपके लिए यू कीप सेइंग माय नेम रॉन्ग दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग योर नेम दैट टाइम शी लुक लाइक हॉलीवुड मूवी एक्ट्रेस अलीता बैटल एंगल एंड नॉट एंगल कौन है अलीता बैटल एंगल ए केड़ा नाम है का दिखा भाई स्पेलिंग दिखाए स्पेलिंग से शायद याद आ जाए आई हैव नो अलीता बैटल बेटर मुझे लग रहा है इसने भी गलत नाम लिखा है हां यार मुझे नहीं पता हु शी बट इफ शी इज प्रीटी देन आई विल टेक इट इफ शी इज नॉट देन आई एम डिसओनिंग इट आई एम डिलीटिंग योर कमेंट भाई लोग आप दोनों के लिए कह रहे हैं कि ड्रामे में ऐसे फ्रेंडली रहा करो ना यार यार नहीं रह सकते वही पता है ये भी हम सिर्फ पिक्चर्स के लिए फ्रेंडली हैं और इंटरव्यूज के लिए अदरवाइज अभी मजाक नहीं करो सीन से पहले हम लड़के आए हैं अच्छा खासी लड़के आए मुक्के मारी थी यार कोई मुक्के नहीं मारी थी तुम मुझे ताने दे रहे थे नीचे तो उसमें मुक्का मार दो तैयार क्यों हो रही हो इतना तैयार क्यों हो रही हो ये समर्स में विंटर्स में घूम रही है हां तो आपको क्या है तुमने क्या बोला था तुम मुझे अपनी जैकेट दे दो अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है अजीब एना के लिए एक क्वेश्चन है इनकी खूबसूरत आंखों का राज माय बाबा ही हैज ग्रीन आईज बाबा आसिफ गुल मोहम्मद ब्रो कवर मायरी ओएसटी प्लीज यू वॉइस इज ऑसम नॉट योर यू वॉइस योर वॉइस यू वॉइस इज इंपॉर्टेंट कैन यू स्पीक नाउ मायरी का ओएसटी यार बस मायरी का अब तो ये हां नहीं एंड में क्या था हर पल सवाल देखिए मैंने कच्ची टहनियों को आंधियां क्यों बोलती है क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती है अब तो ये हाल है हर पल सवाल है देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है यार बड़ा कमाल गया तालियां होनी चाहिए भाई तालियां बजाओ सब लोग आई एम अ हेटर अकेला मैं ही बजा रहा हूं आदिल जाफरी और अब्बास कैन यू टेल मी आई एम वेरी कंफ्यूज्ड देखिए मैं दोनों हूं समर अब्बास जाफरी मेरा पूरा नाम है इंस्टाग्राम पे यूजर नेम समर जाफरी मैंने कर दिया था क्योंकि अब बास जाफरी पूरा नहीं कर सकता था इसलिए अच्छा आपके लिए है सुनो मैं आपकी स्टोरी लगाऊंगा तो आप मेरे को मेंशन कर दो कि अगर आपने अच्छी स्टोरी लगाई होगी तो मैं ऑफ कोर्स मेंशन करूंगी आई ट्राई टू नोटिस एक्चुअली दिस इज समथिंग दैट आई डू आई ट्राई टू नोटिस ऑल ऑफ द पीपल जो हमारी एडिट्स बनाते हैं या सिर्फ मेरी या फिर इसकी मैं क्यों नेवर माइंड लेट मी रीस्टार्ट दैट सेंटेंस या फिर जो मेरी एडिट्स बनाते हैं या ड्रामे की बिकॉज आई नो एडिटिंग बहुत बहुत मेहनत का काम होता है और अगर आप अच्छी एडिट्स बनाएंगे तो ऑफ कोर्स आई ट्राई टू नोटिस यू अब जैसे भी बनाएंगे मैं आपको नोटिस करूंगा कोई बात नहीं यार अगली बार ना अलग अलग लीजिए आप क्या बिलाल अब्बास जी के भाई हो क्या क्योंकि वो भी बहुत नहीं बिलाल अब्बास तो इतने अच्छे हैं बिलाल अब्बास खान की बात करें ना ये अच्छा मुझे शाबिर जाफरी का बड़ा सुनने को मिलता है कि आप शाबिर जाफरी यार बोथ ऑफ देम आर सच गुड लुकिंग मेन व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस व्हाई आर यू आस्किंग दोस क्वेश्चंस यू कैन ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर तो जो लोग मुझे खूबसूरत कह रहे हैं वो खुद खूबसूरत हैं जो नहीं कह रहे वो आप अल्लाह बेहतर जानते हैं ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर कोई बात नहीं इंग्लिश थी आगे चलते हैं I thought you said beautilized. Beauty lies in the eyes of beholder. That's what I said. मैं spelling में बता दूँगा. अच्छा set पे कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो अब तक ऐसी हुई हो कि आप भूल ही ना सकें. अभी जो हमारे साथ हुआ है नीचे. क्या हुआ है? मिसम मैंने कहा आंटी ने भी माइक. एक सीन था कि वो सीन नहीं बता सकते लेकिन. सीन नहीं बता सकते. किसी और का डायलॉग था. वो एक आंटी आई थी उनका भी कैरेक्टर है इसमें तो वो जो भी मिसम भाई बोल रहे ना वो भाई बोल रही है भले ही वो किसी और का डायलॉग किसी और का डायलॉग तो शी वाज रिपीटिंग इट अगेन बट इसके अलावा आई वुड से कि रो रही हो गा रही हो व्हाटएवर मेमोरीज वी हैव हैड विद अयान ही वाज आवर मेकअप आर्टिस्ट ही पास्ड अवे
and I think that is one of the things that we will remember forever. Exactly. So in the end, आपके fans के लिए आप क्या message देना चाहेंगे? Why do I always go first in you're the a big star. Ladies first. Right? If you guys are supporting us and Mairi, or if you're only supporting me or someone individually, whatever. But we just want to say that we really, really appreciate you. Yeah. And आप लोग का प्यार and आप लोग की मोहब्बत, आप लोग की इज्जत ही है जो हम लोग को इस मकाम तक पहुँचाया है. तो करते रहें, इज्जत देते रहें. हम इंशाल्लाह आप लोग का सर फखर से ऊंचा कर देंगे. What he said. What he said. रोशन कर देंगे. ऊंचा कर देंगे. याद आ गया था मुझे. आई सी का नाम रोशन करेंगे. So you go. Just want to say, like she said, just want to say thanks to all the fans out there who've been supporting us. It's overwhelming situation for both of us. और जो भी लोग हैं इस cast का जितने भी part हैं, मेरी यही ख्वाहिश है कि सबको जो भी individual इस चीज़ का part है उन सबको उसी तरह support करें जिस तरह हमें कर रहे हैं, या जो भी आप लोगों के पसंदीदा कैरेक्टर हैं सबको इनफैक्ट उस तरह पसंद करें. बिकॉज सिर्फ इंडिविजुअली हमारी मेहनत नहीं है, बाकी सबकी भी है. जिस तरह हमने मेहनत की उस तरह सबने भी की है, तो उनका भी हक बनता है तारीफ अब्जॉर्ब करना. तो बहरहाल उनको भी करें और मायरी पसंद करते रहें. और देखना मत भूलिएगा रोज़ 7 बजे शाम में ओनली ऑन एयर वाइट डिजिटल प्रमोशन करा दी भाई ने. थैंक यू.